पोई साग को आप इस तरह से बनाएंगे तो उंगली चाट चाट के खाते रह जाएंगे। जिसको पोई साग पसंद नहीं भी है वो भी बिल्कुल मज़े से खाते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, आज हम पोई साग की रेसिपी बनाने वाले हैं। इसलिए हम उसके पत्तों को सेपरेट कर लेंगे, उसको पानी में डाल लेंगे और उसके डंठल को काट लेंगे। उसके डंठल बहुत ही टेस्टी होते हैं, उसको फेंकना बिल्कुल नहीं है। उसका सॉफ्ट पोर्शन हम ऐसे ही काट लेंगे बाइट साइजेस में, और उसके नीचे की तरफ थोड़ा हार्ड पोर्शन होता है उसका रेशा निकाल लेंगे। देखिए ऐसे निकाल लेंगे और अंदर वो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलिएगा। इससे मेरा जो नया वीडियो आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो देखिए हम पत्तों को पहले अच्छे से धो लेते हैं। कोई भी साग को 2-3 बार पानी चेंज कर करके धोना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर मेरा साग मेरे गार्डन से आया हुआ है, इसलिए इसमें सिर्फ मिट्टी होंगे, पेस्टिसाइड्स तो बिल्कुल नहीं होंगे। लेकिन आप अगर बाज़ार से ला रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। इसके डंठल को बिल्कुल मत फेंकिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा टेस्टी होता है। इसमें एक तरह की कोई भी सब्जी हम डालेंगे। मैं यहाँ पर कद्दू डाल रही हूँ, आप इसमें लौकी या कच्चे पपीते कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने राजमा ले लिया है, और राजमा को मैंने 1 घंटे पहले गर्म पानी में सोख किया था और ये बिल्कुल सोख हो गया है। मैं अभी इसको कुकर में बॉईल होने के लिए डालूंगी। इसमें थोड़ा बहुत नमक डालूंगी और इसको 5 से 7 विसल होने तक चढ़ा दूंगी, और इसको मीडियम फ्लेम में 5 से 7 विसल डालना है, ना कि हाई फ्लेम में, नहीं तो ये अच्छे से नहीं पकेगा। अब हम अपना मसाला का पेस्ट बना लेंगे। ये पीली सरसों का पाउडर मेरे पास था, मैंने 1 चम्मच लिया है। उसमें मैंने हरी मिर्च, नारियल, टमाटर और सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट लाल मिर्च लिया है। आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च को बिल्कुल ही रखिए। अगर आपको हरी मिर्च नहीं चाहिए तो 3-4 लाल मिर्च डाल दीजिए। देखिए ये लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ, लेकिन इसका बीज निकाल के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तीखा बन जाएगा। नहीं तो अगर आपको चाहिए तो आप तीखा अगर चाहिए तो आप उसको ऐसे ही डाल सकते हैं, और आप 3-4 भी डाल सकते हैं इसमें, तो इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा। मैं थोड़ा सा, एक छोटा सा टुकड़ा जिंजर का डालूंगी। अदरक इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है तो बिल्कुल कम डालिएगा। देखिए इतना सा ही मैंने डाला है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट मूँगफली बिल्कुल जाएगा इसमें, तो इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल के हम इसको बारीकी से पीस लेते हैं। इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दूंगी और उसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, और इसमें जीरा डाल दूंगी, सॉल्ट डाल दूंगी, फिर हम अपना सब्जी इसमें डाल देंगे बॉईल होने के लिए। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि कोई भी साग बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है, और उसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। दूसरी तरफ हमारा मसाले का पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए ये बहुत ही बारीकी से हमने पीसा है। हमारा तरकारी बिल्कुल ही बॉईल हो गया है, अच्छे से बॉईल होना चाहिए, ये थोड़ा थोड़ा बॉईल होने से नहीं बनेगा। अभी मैं इसमें नमक, जीरा पाउडर और गुड़ डाल रही हूँ, और देखिए गुड़ आपको पूरा 1 चम्मच डालना है। गुड़ डालने से इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा आएगा। गुड़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, मैं बार बार बोल रही हूँ, गुड़ बिल्कुल डालिए, ये बहुत मीठा नहीं बनेगा। फिर मैं इसमें राजमा डाल दूंगी। मेरा राजमा बिल्कुल अच्छे से पक गया है, और इसको मिला के थोड़ी देर और मैं पका लूंगी इसको। और ये करी थोड़ा रसीला बनता है, इसलिए मैं राजमा का पानी भी डाल दूंगी, और मेरा जो बनाया हुआ मसाले का पेस्ट है वो भी डाल दूंगी, और कटोरी भी धो के डाल दूंगी ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। इसको हम 5-7 मिनट फिर से पकाएंगे। पकाने के बाद थोड़ा गुड़ और मैं मिला रही हूँ, मुझे कम लग रहा था, और मैं इसमें 2 टमाटर काट के डाल दूँगी। फिर से मैं उसको 2 मिनट के लिए पकाऊँगी। टमाटर डालने के बाद मैं 2 मिनट के लिए पकाऊँगी, और इसमें मैं काली मिर्च डाल दूँगी।
लाल मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, काली मिर्च ऑप्शनल नहीं है, उसको ज़रूर डालिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। अब मेरी सब्जी बिल्कुल रेडी है, उसमें मैं थोड़ा बहुत घी डाल दी और घी के ऊपर थोड़ा सा एक पिंच हींग डाल दिया है। ये कॉम्बिनेशन वेजिटेरियन रेसिपी के लिए बिल्कुल ऑसम है, उसमें बहुत अच्छा अरोमा आता है। दूसरी तरफ हम लोग टेम्परिंग कर लेते हैं। आपके करी लीफ अगर गीले हैं तो उसको बिना तेल डाले ही हॉट पैन में डालिए। हरी मिर्च तोड़ के और मैंने राई भी डाल दिया है और उसमें फिर से मैंने तेल डाला है। उसके बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और उसमें हींग डाल दूंगी ताकि हींग मेरा जल ना जाए। तो इसको हम करी के साथ मिला लेते हैं, फिर उसको मिला के हम उसको कवर कर देंगे ताकि इसका अरोमा इन्फ्यूज़ हो जाए, और हम उसको तब तक नहीं खोलेंगे जब तक हम खाएंगे नहीं। तो देखिए हमारा अमेजिंग पूरी साग की करी बिल्कुल रेडी है। ये मैं श्योरिटी देती हूँ, आपने ऐसा कभी पोई साग बनाया नहीं होगा, खाया नहीं होगा, और इसमें ज़्यादा कुछ मसाला भी नहीं है। और आपने अगर नोटिस किया होगा तो इसमें तेल भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ लास्ट में हमने उसको टेम्परिंग किया है 2 चम्मच तेल से और थोड़ा सा घी डाला है। तो ये बिल्कुल राइस के साथ खाइए, ये चपाती के साथ उतना अच्छा नहीं लगेगा, ये वाइट राइस के साथ आप खाइए, ये पेट के लिए बहुत ही लाइट होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।